गुड मॉर्निंग बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 करते बेटा। 11th की एलिमेंट बुक से इसका बेसिक मैंने आपको करवा दिया था, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके बेसिक में मैंने आपको बताया था कि भाई इस एक्सरसाइज का टॉपिक है कि कोई भी जैसे एंगल देगा आपको और उसके लिए पूछेगा कि इसके लिए कौन सा रेशो पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि आपने ये याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशो नेगेटिव। एक बात ये याद रखनी है आपने, ठीक है ना। सेकंड, साइन कोस की जो वैल्यू है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है, ये मैंने आपको बता दिया। टेन कोट सिकेंड कोसिकेंड की कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करती है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं इसमें। देखो हम तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, 80 डिग्री लिख रखे हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आर पॉजिटिव फॉर, यानी कि 80 डिग्री के लिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं। तो आपने ये देखना है कि 80 डिग्री का एंगल बनेगा कहाँ पर, ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो कौन सा रेशो पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशो नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। रिक्वायरमेंट ये कि 80 डिग्री के एंगल के 80 डिग्री का एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उसमें कौन कौन पॉजिटिव होंगे। -150 डिग्री, सेकंड पार्ट है -150 डिग्री। तो -150 डिग्री अगर आप निकालोगे बेटा तो आपको क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा घड़ी की दिशा में। ये 0 से -90, -90 से -180, तो -150 डिग्री का एंगल यहाँ से बनेगा बेटा, -150 डिग्री। और ये क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल बनेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर देखो, टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आर पॉजिटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, 3π/4 थर्ड पार्ट है इसका, 3π/4 रेडियन। तो वैसे 3π/4 ये रहा बेटा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया देखो ये, अगर आप इसको रेडियंस मैं नहीं देखना चाहते तो डिग्री में चेंज कर देता हूँ इसको, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल हो गया, ये 45 डिग्री, और भाई इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 135 डिग्री, 135 डिग्री का एंगल बेटा। ये 0 से 90 का हो गया, 90 से 180 हो गया, तो यहाँ पर 135 डिग्री का एंगल मिलेगा आपको। और ये क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसिकेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है बेटा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे। तो इस एक्सरसाइज में तो ये याद रखना हमें कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। एक रेशो की वैल्यू दी होगी और बाकी किसी रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये बेटा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, देखो आपने बताना है कि एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना। यहां पर भी बताना आपने एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहां पर भी आपने बताना है कि एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो बच्चों, आपने एंगल निकालने की जरूरत नहीं बेटा, जैसे आप जानते हो कि ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, टेन 30 होता है 1/√3, तो ऐसे एंगल निकालने की जरूरत नहीं। आप केवल ये देखो, टेन की वैल्यू दे कुछ भी रखी है, ये साइन देखना उसका, हमने ये नेगेटिव दे रखी है, तो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगी, नेगेटिव होगी। टेंजेंट दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक तो इसमें जो कि सेकंड है और एक ये है फोर्थ। तो आंसर आ गया बच्चों आपका सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये नेगेटिव, ठीक है ना। अब साइन की वैल्यू नेगेटिव है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, एक तो होती है थर्ड में और एक होती है फोर्थ में। साइन एक्स जो है बेटा वो नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में और फोर्थ में, याद है ना आप सबको। और कोस जो है वो पॉजिटिव है, तो कोस पॉजिटिव एक तो फर्स्ट में होता है और एक होता है फोर्थ में, आया समझ। तो इन दोनों का जो कॉमन है बेटा वो है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि ये दोनों चीजें किस क्वाड्रेंट में पॉसिबल है कि साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, कोस की वैल्यू पॉजिटिव, ये केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है ऐसा। यहाँ पर कोसिकेंट को लिखेंगे 1/sin, और ये बन जाएगा cos/sin, और cos/sin होता है बच्चों कोट। अब कोट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1, तो कोट जो है वो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में एंड फोर्थ में। तो कोट की वैल्यू जो है बेटा सेकंड फोर्थ में क्या होती है, नेगेटिव। क्वेश्चन है बेटा थर्ड,
फाइंड साइन एक्स इफ कोस एक्स इक्वल टू 1/√2 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि कोस की वैल्यू दे रखी है आपको और आपने निकालनी है साइन की वैल्यू। तो बेटा साइन क्या, आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास में भी थे और 11th में भी आ गए। 10th और 11th में केवल एक डिफरेंस था कि 10th क्लास में क्वाड्रेंट नहीं दे रखा था आपको, ठीक है ना, क्वाड्रेंट नहीं मिला था आपको वहां पर आपका केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट था। और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी का भी आ सकता है क्वेश्चन। देखो इस तरह का क्वेश्चन, किस तरह का क्वेश्चन जिसमें एक रेशो की वैल्यू आपको दे रखी है और बाकी पांचों की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ पर तो बल्कि केवल साइन की निकालनी है। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवाने लग रहा हूँ बेस के तौर पर कि भाई अगर एक रेशो की वैल्यू दे दे आपको और बाकी पांच की वैल्यू निकलवा ले तो कैसे निकालोगे आप। देखो तीन मेथड है, हमेशा याद रखना। एक क्वेश्चन समझाऊंगा बेटा, लाखों क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए इसी क्वेश्चन से, ठीक है ना, जो मैं आप करवाने लग रहा हूँ। देखो क्या है कि बच्चों कोस की वैल्यू दे रखी है आपको और आपने निकाली साइन की वैल्यू, क्वाड्रेंट को छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना। 10th क्लास का क्वेश्चन हो गया अभी, कोस की वैल्यू दे रखी, साइन की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट मेथड है बेटा ट्राइंगल का यूज करके, ठीक है ना। आप जानते हो कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया के और हाइपोटेनस क्या हो गया रूट टू के, ठीक है ना। ट्राइंगल एबीसी बना ली हमने, ये एक्स ले लिया एंगल। तो भाई पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करें हम, तो बेस का स्क्वायर बेस था बेटा के, तो बेस बाई हाइपोटेनस था, तो ये हो गया। यानी कि आप बेस को वन और हाइपोटेनस को रूट टू लोगे, थोड़ा लिखने में ठीक नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि ये रेशो है, रेशो एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल जरूरी नहीं होता कि हो जाए। तो अब आपने क्या करना, देखो इसको के से मल्टीप्लाई करके ले लेना और सीधा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आना है, ठीक है ना। लेकिन उसको रिटर्न में देना गलत होता है। अब देखो पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करें हम, तो एफ बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एफ बी का स्क्वायर आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यानी कि टू के स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर। तो एफ बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर और एफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी के, ठीक है ना। तो ये के आ गई भाई। अब आप साइन क्या, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते। देखो जैसे आपने साइन की वैल्यू निकाली है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि के बाई रूट टू के, के से के कैंसिल हो गया। टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट एक्स की परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया के बाई के वन आ गया। कोट की भी वैल्यू क्या होती है, कोट इसका रेसिप्रोकल होता है, वैसे आप तो ऐसे निकल जाएंगे, साइन का रेसिप्रोकल रूट टू हो जाएगा कोसेकेंट और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंट आ जाएगा रूट टू। तो एक रेशो की वैल्यू दे दिया आपको तो बाकी पांच की निकाल सकते हो आप ट्राइंगल बनाकर, ठीक है ना। सेकंड मेथड बेटा, कोस की वैल्यू अगर 1/√2 है बच्चों, तो यहां पर आपने फंडामेंटल एंगल रखना पड़ेगा, जिसको आप स्पेसिफिक एंगल भी बोलते हो, 0, 30, 45, 60, 90 एंगल, ठीक है ना। तो ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहां से 45 डिग्री, ठीक है ना। अब आपने जैसे साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की जगह आपने क्या रखना है 45 और साइन 45 हो जाएगा 1/√2। जैसे आपने टेन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की जगह आपने क्या रखना है 45 और टेन 45 क्या हो जाएगा 1। जैसे आपने कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की जगह आपने क्या रखना है 45, कोसिकेंट 45 की वैल्यू हो जाएगी रूट टू, ठीक है ना। इस तरीके से आया समझ। तो ये सेकंड मेथड था बच्चों, क्या है कि कोस की वैल्यू दे रखी है आपको और आपने बाकी की वैल्यू निकालनी है। अब नेक्स्ट मेथड है बेटा, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो इसमें आप क्या रखो, कोस की वैल्यू रख दो, कोस की वैल्यू है 1/√2, तो यहां पर रखोगे 1/2 हो जाएगी, राइट में 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सेपरेट होकर राइट में 1/2 और रूट लेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। वैसे प्लस माइनस का साइन लगता है, लेकिन 10th क्लास के अकॉर्डिंग तो प्लस का ही साइन लगेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहां पर केवल। तो साइन की वैल्यू आ गई, कोस की वैल्यू दे रखी थी आपको, तो डिवाइड करोगे तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। देखो साइन बाई कोस 10 हो गया, जो कि 1 आ गया।
तीन वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू आएंगी रेसिप्रोकल करने से, कोसेकेंड की वैल्यू आ जाएगी रूट टू, सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी रूट टू, कोट की वैल्यू आ जाएगी वन। तो केवल और केवल पूरी दुनिया में बेटा ये तीन तरीके होते हैं जब किसी एक रेशो की वैल्यू दे दे आपको और बाकी किसी रेशो की वैल्यू पूछ ले, ठीक है ना। आया समझ में, अच्छे से याद हो जानी चाहिए ये चीज़। आप देखो ये जो मेथड है ना, ये कभी कभी हम इसमें फेल हो जाते हैं, इस मेथड में, ये मेथड फेल नहीं होता, हम फेल हो जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो कोस एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाई फोर दे देता है वो, तो थ्री बाई फोर जो है वो शायद आप भी नहीं जानते होंगे और मैं भी नहीं जानता कि कितने डिग्री की वैल्यू होती है कोस की। है जैसे ही जानते हैं 45 डिग्री की वैल्यू होती है, कोस 30 जैसे रूट थ्री बाई टू होता है, कोस 61 बाई टू होता है, तो ये वैल्यू हम नहीं जानते बेटा, क्योंकि सारी वैल्यू जान भी नहीं सकते हम और ज़रूरत भी नहीं पड़ती सारी वैल्यू जानने की। ऐसे तो एंगल बहुत सारे होते हैं, कोस 0 डिग्री, कोस 0.1 डिग्री, कोस 0.2 डिग्री, कोस 0.9 डिग्री, कोस 1 डिग्री, कोस 1.1 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 46 डिग्री, कोस 47 डिग्री। तो किस किस की वैल्यू याद रखेंगे, तो हम कुछ स्पेशल एंगल की वैल्यू याद रखते हैं केवल, ठीक है ना, और हम निकाल सकते हैं उनकी वैल्यू जो 7.5 से या फिर 15 से डिवाइड होते हैं, उनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं फार्मूलों का यूज करके, जो 11th में निकालेंगे हम। 10th में तो हम केवल 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू जानते हैं, तो इसलिए ये मेथड अपने लिए फेल हो जाता है कभी कभी। तो ये बाकी ये दोनों मेथड है ये कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर केवल तीन ही फार्मूले रखते हैं, एक तो ये हो गया और एक होता है सेकेंड स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर वन, एक होता है कोसेकेंड स्क्वेयर माइनस फोर स्क्वेयर वन, केवल तीन ही फार्मूले लगते हैं, ठीक है ना। तो उनसे ये आ जाएगा आराम से। तो अब आप इन दोनों मेथड पर कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, ये दोनों मेथड अच्छे से लर्न करो, ठीक है ना, इन दोनों से हम आंसर निकालेंगे सारे। अब इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं, देखो इसमें एक्स्ट्रा बात क्या दे रखी थी, इसमें दे रखी थी एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स जो है बेटा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू तो उसने दे रखी सीधी सीधी, साइन की वैल्यू अपनी क्या आई है, साइन की वैल्यू आई है अपनी 1/√2। तो आपने नीचे लिखनी पड़ेगी एक लाइन, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव, देयरफॉर आंसर इज दिस, आंसर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। यही काम करना था, केवल टेन की निकालनी पड़े, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है, तो नीचे लिख देना इन फोर्थ क्वाड्रेंट टेन एक्स इज नेगेटिव, देयरफॉर आंसर इज -1, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोट एक्स इज आल्सो नेगेटिव, आंसर इज -1, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का जो एक्स्ट्रा फंडा है आपके यहाँ पर, टेंथ में नहीं था यहाँ पर है, तो उसकी लाइन भी एक ही है बेटा, बस जो आंसर आए ना ट्राइंगल से जो आंसर आए, उस आंसर का आपने साइन डिसाइड करना, प्लस का लगाए या माइनस का लगाए, ठीक है ना, वो साइन डिसाइड करना क्वाड्रेंट को देखते हुए, जिस क्वाड्रेंट में जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंग साइन लगा दो आंसर के साथ, ठीक है ना। इस मेथड में भी देखो, जैसे यहाँ पर माइनस कोस एक्स की वैल्यू 1/√2 थी, तो इसके बाद यहाँ पर इतना हो गया ना, तो अब इसमें आगे क्या करेंगे, हम इसको फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे ले जाने का रास्ता है 360 माइनस थीटा, तो इसको 360 में से माइनस कर देंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बन जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और मैं कहूँ कि एक्स की वैल्यू 45 डिग्री तो गलत हो गई ना, 45 डिग्री तो फोर्थ में होगा ही नहीं, तो फोर्थ में ले जाने के लिए क्या करो, 360 की जो बाउंड्री है उसमें से एंगल माइनस कर दो, अपना फोर्थ में पहुंच जाएगा ये, तो एक्स की वैल्यू आ गई 315 डिग्री। अब आपने क्या करना है, साइन 315 की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। ये टॉपिक जो है ये जो होने लग रहा है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेटा, इसमें ये मेथड बताना था मैंने, इसलिए इंक्लूड किया है, तो इसको आपने ब्रेक कर लेना है 360 माइनस 45 में, और ये हो जाएगा -sin 45, और sin 45 होता है -1/√2, देखो ये आ गया साइन, ठीक है ना। ये आप बेसिक से अभी मत करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कर लेंगे इस मेथड से, ठीक है ना। ये तो 10th क्लास के लिए बताया था मैंने, केवल स्पेसिफिक फंडामेंटल एंगल हो तो ऐसे कर सकते हो। ये देखो अब आप यहाँ पर जो मैंने रूट लिया, तो प्लस माइनस का साइन लगाया था रूट लेने के बाद, तो अब आपने डिसाइड करना माइनस का आंसर आएगा प्लस का आएगा, वो आएगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट कौन सा है फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन ले लेना, ठीक है ना। आया समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ इसका, देखो ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब की बार क्या है, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको
माइनस वन बाई टू, और कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बेटा ये फार्मूला लगा सकते हो आपको अगर आसान लगता है ये, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू वन। तो आप साइन एक्स की जगह यहाँ पर माइनस वन बाई टू रखोगे, वन बाई फोर हो जाएगा ये, और प्लस कोस स्क्वायर है ये, और राइट में क्या है वन, तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री बाई फोर, और कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस वन बाई प्लस माइनस रूट थ्री बाई टू, ठीक है ना। अब आपने देखना क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो लिखो कोस एक्स इक्वल टू प्लस रूट थ्री बाई टू, यानी कि माइनस का साइन रिजेक्ट हो जाएगा, प्लस का सिलेक्ट हो जाएगा। ये बेटा फोर्थ का फर्स्ट है, इफ साइन एक्स इंटू सेकेंड एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन फाइंड साइन एक्स एंड सेकेंड एक्स। थर्ड से डिफरेंस कैसे इस क्वेश्चन में, थर्ड में केवल एक रेशो की वैल्यू देकर बाकी की वैल्यू पूछता था, मैंने बेसिक वही बताया आपको, इसमें क्या है दो रेशो का प्रोडक्ट दे दिया और फिर किसी की वैल्यू पूछ ली उसने, तो क्या करो इसको सिंगल रेशो बनाना पड़ेगा। सेकेंड को लिख लो आप वन बाई कोस, ठीक है ना, सेकेंड की जगह लिख लो वन बाई कोस, राइट में माइनस वन है, तो टेन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों माइनस वन, ठीक वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो हम थर्ड क्वेश्चन में किया था। तो 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर होता है बेटा 1, ठीक है ना, तो इसमें 10 की जगह माइनस 1 रखेंगे तो स्क्वायर होकर क्या हो गया ये प्लस 1, और राइट में जाकर क्या हो गया 2, तो सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट 2। अब आपने देखना क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होता है नेगेटिव, लिखो इन सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड एक्स इज नेगेटिव, देयरफॉर सेकेंड की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई माइनस रूट टू, ये सेकेंड की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ऐसा समझ। अब आपने निकाली साइन की वैल्यू, देखो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप जानते हो साइन क्या होता है बेटा, टेन बाई सेकेंड होता है साइन, ठीक है ना, टेन बाई सेकेंड साइन आता है, क्योंकि टेन होता है साइन बाई कोस, ये वन बाई कोस, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बच जाएगा, तो टेन की वैल्यू क्या आपके पास, टेन की वैल्यू है माइनस वन, सेकेंड की वैल्यू क्या आपके पास माइनस रूट टू, तो कैंसिल होकर क्या आ गया वन बाई रूट टू। देखो अब ये देखना आपने साइन का जो साइन है वो ठीक आया गलत आया, बिल्कुल ठीक आएगा क्योंकि आपने इन दोनों का साइन यूज किया है जो कि बिल्कुल ठीक साइन लगा रखा था हमने इन दोनों के साथ, तो इन दोनों से ऑपरेट होकर जो आंसर आएगा ना उसका साइन ऑलरेडी ठीक आएगा, लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, इन दोनों का माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो गया, तो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। ये देखो दो रेशो का सम दे रखा है और साइन कोस की वैल्यू पूछ रखी है, वैल्यू तो किसी की पूछ ले आपसे, बेशक से पांच रेशो की पूछ ले बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है ना एक सिंगल रेशो होना चाहिए, जबकि इसने क्या दे रखा है डबल, तो क्या करो किसी एक को राइट में ले जाओ, साइन को इधर रखा कोस को राइट में ले गया, अब कोस से डिवाइड कर दो इसको, टेन एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, ठीक है ना, आप फार्मूला लगा सकते हो सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है वन के इक्वल, ठीक है ऐसा इक्वेशन बन गया जैसे ये था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, देखो यहाँ पर रखेंगे टेन एक्स की वैल्यू जो कि क्या है माइनस वन, स्क्वायर होकर प्लस वन, राइट में जाकर टू हो गई, और सेकेंड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों प्लस माइनस रूट टू। अब देखो सेकेंड कौन क्वाड्रेंट दे रखा है फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सेकेंड क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट सेकेंड एक्स इज पॉजिटिव, सेकेंड एक्स पॉजिटिव होता है बेटा, तो सेकेंड की वैल्यू आ गई प्लस रूट टू, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई रूट टू, ठीक है ना, और साइन क्या होता है टेन बाई सेकेंड क्या होता है साइन, तो टेन की वैल्यू माइनस वन होगी, सेकेंड की रूट टू होगी, तो यह आ गया माइनस वन बाई रूट टू, ठीक है ना, ये साइन की वैल्यू आ गई, साइन कोस की निकालनी थी। इसका एक और मेथड था, ये वन है तो यहाँ पर आप एंगल निकाल सकते हो, एंगल निकलेगा 315 डिग्री, लेकिन वो फोर्थ नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे बेटा, ठीक है ना, एंगल को चेंज करना, अभी फिलहाल आप इस मेथड से कर सकते हो या ट्रायंगल बनाकर कर सकते हो, ठीक है ना, तो ट्रायंगल बनाकर भी हो जाएगा बेटा क्वेश्चन, ट्रायंगल बनाकर ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। ये बेटा फिफ्थ के दो पार्ट देखो, टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है थ्री बाई फोर,
और आपने निकाली साइन कोस की वैल्यू, ठीक है ना। क्वाड्रेंट इसमें कोई दे नहीं रखा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ट्रीट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो भाई ट्रायंगल बनाकर कर सकते हो आप। देखो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया। वैसे मैंने बताया था कि कोई एचसीएफ ले लिया करो इसके साथ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हाइपोटेन्यूस का जो स्केयर है ये क्या हो जाएगा, बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, यानी कि 25 के स्केयर। तो हाइपोटेन्यूस स्केयर आ जाएगा 25 के स्केयर, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 के। तो ये आ गया 5 के, ठीक है ना। अब आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। साइन की निकालनी वैल्यू, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि 3 के बाई 5 के, ये हो जाएगा 3 बाई 5। और कोस की वैल्यू निकालनी जैसे, तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि 4 के बाई 5 के, ये आ जाएगा 4 बाई 5, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है और एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो साइन की वैल्यू है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करेंगे, ये हो गया 169 स्क्वायर माइनस 144 स्क्वायर, सेपरेट करोगे तो 5 के स्क्वायर, रूट लेंगे तो 5 के, ठीक है ना। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस सब कुछ हो गया अपने पास। अब सिकेंट एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू निकाली हमने, देखो तो भाई सिकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाई बेस 13 के बाई 5 के, ठीक है ना। और प्लस टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 12 के बाई 5 के। अब ये साथ साथ देखना बेटा ध्यान से कि क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है ना। तो के को कैंसिल करके इसको नेगेटिव लिख देना, के को कैंसिल करके इसको नेगेटिव लिख देना, रीजन लिख देना इन सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड एंड टेन बोथ आर नेगेटिव। तो ये माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, माइनस 25 बाई 5 हो जाएगा और माइनस का 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। या सेपरेटली दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप। क्वेश्चन है बेटा 6 का फर्स्ट, कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है और एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और बाकी 5 रेशो की वैल्यू निकाल ली आपने। तो देखो ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं हम। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस 3 ले लेंगे और हाइपोटेन्यूस 5 ले लेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव लेना बेटा आपने, साइड लेंथ होगी ना ये। तो पाइथागोरस सर का यूज करेंगे यहाँ पर थ्योरम का, तो 25 माइनस 9 उसका सेपरेट करेंगे तो 16 का रूट हो जाएगा 4। ये कर सकते हो बेटा, ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इसकी आप, ठीक है ना। 25 माइनस 9 16 आ गया, रूट आकर 4 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर के लगा देना बल्कि साथ साथ। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी, पहले साइन की, तो साइन की वैल्यू हो जाएगी भाई बच्चों परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि 3 के बाई 5 के। अब आपने लिखना है इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, -3/5, ठीक है ना। फिर साइन कोस हो गया, अब टेन की वैल्यू आराम से आ जाएगी। ट्राइंगल का भी यूज नहीं करना आपने। टेन क्या होता है, साइन बाई कोस, तो साइन की वैल्यू ये है और कोस की वैल्यू क्या थी, -3/5। रुको भाई रुको, साइन क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि 4 के बाई 5 के, ये आएगा बच्चों। तो टेन क्या हो गया, साइन बाई कोस, तो कैंसिल होकर क्या आ गया आंसर, 4/3। देखो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि साइन टेन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 3 रेशो आ गए, 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन की वैल्यू अगर -4/5 है तो कोसेकेंट की क्या हो जाएगी, -5/4। टेन की वैल्यू अगर 4/3 है तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। कोस की वैल्यू अगर -3/5 है तो सिकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/3, ठीक है ना। कोट एक्स की वैल्यू ये है अगर, तो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो भाई ट्रायंगल बना लो यहाँ पर, बेस बाई परपेंडिकुलर लिख लो इसको, बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, तो इसका स्क्वायर 25, इसका 144, दोनों को सम करेंगे 169, उसका रूट 13, ठीक है ना। अब आप बाकी किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि आपने साइन की वैल्यू निकाल ली है, तो साइन क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी कि 5 के बाई 13 के। अब क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड लिखो यहाँ पर, इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन एक्स इज नेगेटिव, तो आंसर आ गया -5/13।
ठीक है ना, साइन हो गया आपके पास, कोट हो गया आपके पास, तो साइन हो गया तो कोसिकेंट भी हो गया इसका रेसिप्रोकल, कोट हो गया तो टेन भी हो गया इसका रेसिप्रोकल, बाकी क्या बच गया अब कोस। कोस क्या होता है बच्चों, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 12 के बाई 13 के। तो भाई इसको कैंसिल करेंगे आंसर आ जाएगा 12 बाई 13, और आपने लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट कोस एक्स इज नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। तो बाकी पांचों की वैल्यू आराम से आ जाएगी, इनके रेसिप्रोकल कर दो, बाकी तीन की वैल्यू और आ जाएगी। देखो बेटा 7th का फर्स्ट पार्ट है ये, फाइंड कोस एक्स एंड टेन एक्स इफ साइन एक्स इक्वल टू -3/5। तो ठीक वैसे ही क्वेश्चन मैंने बताया था इस एक्सरसाइज में कंप्लीट में। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, टेन साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो ये 25 हो गया, ये -9 हो गया, 16 बच गया, उसका रूट 4 आ गया। के लगा सकते हो आप यहाँ पर, मैं डायरेक्ट लिखने लग रहा हूँ। देखो इनको, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल था, यहाँ पर एक्स एंगल था। तो निकालना क्या हमने, कोस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कोस एक्स क्या होता है बेटा, कोस एक्स होता है बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 4 के बाई 5 के, ठीक है ना। तो एक्स लाई करता है पाई से 3π/2 के बीच में, यानी कि किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में तो उसकी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका नेगेटिव, कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4/5, ठीक है ना। लिख देना यहाँ पर इन थर्ड क्वाड्रेंट कोस एक्स इज नेगेटिव। फिर निकालना आपने टेन एक्स, टेन एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 3k/4k, ठीक है ना। तो ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 3/4। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू ऑलरेडी क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है देखो, इसमें डबल काम करना हमने। सबसे पहले तो साइन के लिए ट्राइंगल बना लेता हूं मैं, ए बी सी। साइन के लिए अलग ट्राइंगल बनेगी और टेन के लिए अलग बनेगी, एंगल का डिफरेंस है ना दोनों में, इसलिए ये अल्फा एंगल हो गया। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, या हो गया हाइपोटेनस, 25 - 9 = 16, उसका रूट आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी थी ये, आपने निकाली टेन अल्फा की वैल्यू। तो भाई टेन अल्फा क्या हो जाएगा, के लगा सकते हो यहाँ पे, एच सी लगा देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि 3k/4k, ये इसे कैंसिल हो गया। और टेन अल्फा की वैल्यू अब आपने लिखनी है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो बताएगा आपको अल्फा किस क्वाड्रेंट में है। देखो अल्फा बीटा दोनों इकट्ठे दे रखे हैं, तो सेपरेट करके देख लो आप। देखो पाई बाई टू से ये पाई बाई टू और ये पाई है, तो अल्फा यहाँ पर लाई करता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। इसके ऊपर आपने लाइन लिखनी पड़ेगी, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट इन विच टेन एक्स इज नेगेटिव। अब बारी है बीटा एंगल के लिए, तो एक और ट्राइंगल बनानी पड़ेगी आपको, ये बीटा एंगल है इसमें, और पी क्यू आर इसका नाम रख देते हैं ट्राइंगल का। तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 4+1 यानी कि 5√5 हो गई, ठीक है ना। के लगा सकते हो इसके साथ में आप। यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाली, सिकेंट बीटा की। तो सिकेंट बीटा क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 2k/√5k। तो ये कैंसिल वैंसल होकर क्या आ जाएगा, 2/√5, ठीक है ना। अब आपने ये देखना है कि बीटा किस क्वाड्रेंट में है, बीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, ठीक है ना। तो माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पर। अब वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, हमने वैल्यू निकालनी 8 tan α - √5 sec β, 8 tan α - √5 sec β। तो 8 as it is और टेन अल्फा की जगह रखेंगे -3/4, ठीक है ना। फिर प्लस का साइन, प्लस का नहीं माइनस का साइन है यहाँ पर, और √5 है, और सिकेंड बिट्टा की जगह रखेंगे 2/√5, तो +2/√5 हो जाएगा ये। ये इसे कैंसिल हो गया, ये इसे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया -6+2 यानी कि -4 आ गया, ठीक है ना। -6+2 यानी कि -4, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब साइन एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, सिकेंड प्लस टेन की वैल्यू प्रूव करनी है आपने ये, ठीक है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो भाई पहला ही क्वाड्रेंट दे रखे हैं इसने, 0 से π/2 दे रखा है। तो साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज।
तो इसका स्क्वेयर हो गया, इसका स्क्वेयर करेंगे 841 हो गया इसका स्क्वेयर, और इसका स्क्वेयर हो गया 441, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 400 आ जाएगा, और रूट लेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये आ गया 20, ठीक है ना। अब सिकेंड की वैल्यू क्या होती है, देखो सिकेंड होता है हाइपोटेन्यूस बाई बेस, तो 29/20, और ये है टेन, टेन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 21/20, ऐड करेंगे तो ये हो गया 10, ये हो गया 5, यानी कि 50/20, यानी कि क्या हो गया 2 इंटीग्रल 1/2, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन था बस देखने का, इसमें अल्फा बीटा मिक्स करके दे रखे थे, अल्फा का अलग से सोल्व करना पड़ेगा, बीटा वाले को अलग से, और फिर यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्वाड्रेंट ध्यान से देख सकते हो आप।